हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार एवं सभी का केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो अपना टॉपिक चला था क्वांटम संख्याएं, वो अपनी कंप्लीट हो गई। आज का अपना टॉपिक रहेगा तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। टॉपिक है अपना तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विन्यास होता क्या है। तो केवल क्वांटम संख्याओं की जानकारी से ही अपने किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, यानी केवल क्वांटम संख्याओं ज्ञात से अपन ये नहीं पता पड़ता है कि किसी परमाणु में कोष उपकोष या कक्षु में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसा होगा। तो किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की वितरणी के बारे में जो व्यवस्था कैसी होती है वो क्या कहलाता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, विभिन्न विभिन्न परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन विभिन्न परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण की व्यवस्था, विभिन्न परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की वितरण की व्यवस्था को ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यानी विभिन्न जो परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर कोष उपकोष और कक्षक होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसा हो, उनकी इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी हो, उन्हीं को अब हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो किसी भी परमाणु इलेक्ट्रॉन के विन्यास या इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए कुछ नियम है, उन नियमों की सहायता से अपन उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन के विन्यास जो नियम है वो नियम अपन पढ़ते हैं। तो नंबर एक है उनमें सबसे पहले आपगो सिद्धांत, यानी तत्वों के अंदर इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाने के लिए जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं आपगो सिद्धांत। आपगो सिद्धांत सिद्धांत की सहायता से हम तत्वों का इलेक्ट्रोविन्यास बनाते हैं। आप वो सिद्धांत क्या है, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रोविन्यास बनाने के लिए, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है उस सिद्धांत को कहते हैं आप वो सिद्धांत। ठीक है, जो आप वो शब्द है आप जो शब्द है एक जर्मन भाषा, आप वो शब्द एक जर्मन भाषा का शब्द है। आप वो एक क्या है, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। क्या होता है, निर्माण करना, निर्माण करना या बनाना, निर्माण करना या बनाना। तो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अतः तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए जिस सिद्धांत, जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है
उसे आप वो सिद्धांत कहते हैं, आप वो नियम कहते हैं। यानी आप वो क्या है, जर्मन भाषक शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है, निर्माण करना या बनाना। अतः तत्व का इलेक्ट्रोविन्यास बनाने के लिए जिस सिद्धांत, जिस नियम का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं आप वो सिद्धांत या आप वो नियम। अब बात ये आते हैं कि इस आप वो सिद्धांत में कौन कौन से नियम आते हैं। तो आप वो जो सिद्धांत होता है वो तीन नियमों से मिलकर बना होता है। आप वो नियमित सिद्धांत के नियम आते हैं तीन नियम, आप वो नियम कहते हैं तीन नियम। तीन नियम कौन कौन से आते हैं, नंबर एक है पाउली का अपवर्जन, पाउली का अपवर्जन नियम। नंबर है दो है हुंड की अधिकतम, हुंड की अधिकतम बहुलकता, हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। ठीक है, वो जो नंबर तीन है अपना एन प्लस एल नियम, ये तीन नियम है इनसे मिलकर बनता है अपना हुंड का नियम। पहला कौन सा है, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम और एन प्लस एल नियम। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है अपना आपको नियम। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।